मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 10। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सर्कल एंड इट्स पार्ट्स। टुडे वी विल डिस्कस सम मोर टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। आज हम लोग सर्कल के बारे में कुछ और टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो टर्म है आर्क ऑफ ए सर्कल। अब आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इट इज नोन एज द आर्क ऑफ ए सर्कल। सिंबॉलिकली एन आर्क इज रिटन एज ए पी बी। दिस इज आर्क ए पी बी और ए पी बी, दिस इज द सिंबॉल फॉर आर्क। आर्क मीन्स पार्ट ऑफ अ सर्कल। आप समझ सकते हैं सर्कल का कोई भी पार्ट, एक पार्ट ले लीजिए, एक टुकड़ा ले लीजिए सर्कल का, वो आर्क कहलाता है। ए पी भी एक आर्क है, ए पी बी भी एक आर्क है ना। लेकिन सिंबॉलिकली इसको थ्री लेटर से हम नेम देते हैं। अगर थ्री पॉइंट्स है तो इस आर्क को ए से लेकर के बी तक, ए, इसको हम ए पी बी कह सकते हैं। इधर भी आर्क है ए बी, ये भी एक आर्क है। इसका मतलब हुआ कि आर्क जो है एक सर्कल में टू टाइप्स का हो सकता है। एक अगर माइनर आर्क होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? मेजर आर्क हो जाएगा, उसका अपोजिट। जैसे देखिए इसमें ए पी बी एक माइनर आर्क है। माइनर आर्क मीन्स कि जो सेमी सर्कल से छोटा होता है, कम होता है, उसको हम माइनर आर्क बोलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये माइनर आर्क क्या है? सेमी सर्कल से छोटा है। ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ए पी बी, ये माइनर आर्क है, क्योंकि सेमी सर्कल ए जो है सेंटर से पास करता है। डायमीटर जो है सर्कल को टू सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, तो सेमी सर्कल से ये छोटा है, इसलिए माइनर आर्क हुआ। अब ये ब्लू वाला जो माइनर आर्क है इसको छोड़ देंगे, बाकी ये ऑरेंज कलर वाला जो देख रहे हैं ये आपका मेजर आर्क हो गया। तो एक माइनर आर्क होगा तो उसका अपोजिट जो है, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, वो मेजर आर्क होगा। अगर एक मेजर आर्क होगा तो बाकी बचा हुआ पार्ट माइनर आर्क होगा। इस ढंग से इफ़ द आर्क इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कल इट इज कॉल्ड अ माइनर आर्क, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ द सर्कल इट इज कॉल्ड मेजर आर्क। ये क्लियर है, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। अब देखिए नेक्स्ट टर्म है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब सेगमेंट क्या होता है? देखिए ये जो शेडेड रीजन है इस सर्कल में, ये सेगमेंट है। ये जो ए बी शेडेड रीजन है ये सेगमेंट है। द रीजन इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कोड इज कॉल्ड अ सेगमेंट। देखिए ए बी क्या है? एक आर्क है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट नहीं है इसलिए ये आर्क ए बी हम इसको बोल सकते हैं। और ये ए बी क्या है? एक कोड भी है। कोड एक लाइन सेगमेंट होता है, मीटिंग द सर्कल एट एनी टू पॉइंट्स। तो एक कोड और एक आर्क से ए एरिया इनक्लोज हुआ, जो शेडेड पोर्शन यहाँ दिख रहा है आपको, ये कहलाता है सेगमेंट। अब यहाँ सेगमेंट में भी क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर मीन्स छोटा। तो ये जो ए बी सेगमेंट है ये क्या है? आपका माइनर सेगमेंट है ना, क्योंकि ये सेमी सर्कल से छोटा है। अब इसका जो बाकी पार्ट जो बचा, अगर माइनर सेगमेंट को हटा दें तो बाकी इधर वाला जो पार्ट है जो अनशेडेड है, ये भी सेगमेंट है, क्योंकि ये ए बी कोड और ये मेजर आर्क से बना है ना। तो कोड और मेजर आर्क से जो सेगमेंट बनेगा वो मेजर सेगमेंट बनेगा, और कोड और माइनर आर्क से जो सेगमेंट बनेगा वो माइनर सेगमेंट बनेगा। तो इस सर्कल में टू टाइप का टू सेगमेंट्स है, एक ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। उसी ढंग से यहाँ देखिए कोड ए बी ऑफ सर्कल डिवाइड्स इट इंटू टू सेगमेंट्स। द लार्जर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट है, और स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। यहाँ ब्लू वाला मेजर सेगमेंट है, ये ऑरेंज वाला पार्ट जो है ये माइनर सेगमेंट है। ऑल्सो द सेगमेंट विथ विच कंटेन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट, एंड द सेगमेंट विच डज नॉट कंटेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। आप मेजर सेगमेंट को पहचान सकते हैं सेंटर से भी। जिस सेगमेंट में आपका सर्कल का सेंटर है वो
जरूर मेजर सेगमेंट है, क्योंकि सेंटर से सेमी सर्कल होता है, तो सेंटर इस सेगमेंट में है, इसका मतलब ये सेमी सर्कल से भी बड़ा है, सेमी सर्कल से जो बड़ा हो गया वो मेजर सेगमेंट हो गया। और माइनर सेगमेंट में देखिए सर्कल का सेंटर नहीं आ सकता है, क्योंकि सेंटर बीच में होता है, तो आप सेंटर से भी पहचान सकते हैं मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट टर्म है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मीन्स होता है पेरीमीटर। द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो चूंकि सर्कल में जो पेरीमीटर, सर्कल चूंकि सर्कुलर होता है, इसलिए इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। पेरीमीटर को ही हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। यहाँ पर अलग अलग साइड नहीं है, तो पूरा जो सर्कल का लेंथ है, सर्कल का जो लेंथ है बाउंड्री का, उसी को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट सर्कमफेरेंस इन द एडजेसेंट फिगर एल एम एन एल। देखिए एल एम एन फिर वापस एल, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टर्म है सेमी सर्कल एंड सेमी सर्कुलर रीजन। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल। एंड सेमी सर्कल इज जस्ट एन आर्क विथ ओनली द एंड पॉइंट्स ऑफ द ऑन द डायमीटर लाइंग ऑन इट। तो सेमी सर्कल क्या होता है? डायमीटर जो है किसी भी सर्कल को टू सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। तो सेमी सर्कल भी क्या है स्टूडेंट्स? जस्ट एक आर्क है। जैसे माइनर आर्क मेजर आर्क पढ़े अभी, तो सेमी सर्कल भी क्या है? आधा सर्कल है। सेमी मीन्स होता है हाफ, हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल भी क्या है? एक आर्क है। मतलब दो इक्वल आर्क में अगर डिवाइड करें सर्कल को, तो दोनों आर्क जो है वो सेमी सर्कल कहलाएगा। अ सेमी सर्कुलर रीजन इज अ सेगमेंट फॉर्म बाय द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब सेमी सर्कुलर रीजन क्या हुआ? सेमी सर्कुलर रीजन होता है वो सेगमेंट, जैसे अभी आप सेगमेंट पढ़े, कोड और आर्क से जो एरिया इनक्लोज होता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर डायमीटर भी एक कोड होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, पिछले वीडियो में पढ़ाए थे स्टूडेंट, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर ऑफ और आर्क के द्वारा, एक डायमीटर और आर्क के द्वारा जो एरिया इनक्लोज्ड होता है, जैसे ये एक रीजन है, ये सेमी सर्कुलर रीजन है, ओके। उसी ढंग से ये डायमीटर पी क्यू है, और इस साइड, इसका अपोजिट साइड वाला जो रीजन है, ये भी एक सेमी सर्कुलर रीजन है। ये ऑरेंज वाला भी सेमी सर्कुलर रीजन है, इसके अपोजिट साइड वाला भी सेमी सर्कुलर रीजन है। तो सेमी सर्कुलर रीजन मतलब सेमी सर्कल के जो अंदर में आता है वो सेमी सर्कुलर रीजन कहलाया। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है? सेक्टर भी दो टाइप का होता है, एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर। माइनर मीन्स छोटा सेक्टर और मेजर मतलब बड़ा सेक्टर। द रीजन इनक्लोज बाई एन आर्क एंड टू रेडी ज्वाइनिंग द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। आप सिंपली समझ सकते हैं कि एक आर्क, जैसे पी क्यू एक आर्क है और ओ क्यू एंड ओ पी टू रेडी है सर्कल का, ठीक है। तो टू रेडी और एक आर्क से जो एरिया इनक्लोज होता है वो सेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर पी ओ क्यू, ये जो शेडेड रीजन है जिसको हम दिखा रहे हैं, ये आपका माइनर सेक्टर हुआ। अब मेजर सेक्टर भी क्या हुआ स्टूडेंट्स? यही दोनों रेडियस, देखिए ओ पी और ओ क्यू रेडी है, और इधर ये मेजर आर्क पी क्यू है, इसका अपोजिट ए पी क्यू, ये माइनर आर्क है, इधर अपोजिट साइड में पी क्यू मेजर आर्क है। तो टू रेडी और मेजर आर्क से जो एरिया इनक्लोज हुआ इसको मेजर सेक्टर कहेंगे। जस्ट सेगमेंट जैसा ही, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, उसी ढंग से मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर बनता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि सेक्टर जो है टू रेडी और एक आर्क से इनक्लोज होता है, और सेगमेंट जो होता है एक कोड और एक आर्क से इनक्लोज होता है। सेक्टर और सेगमेंट में ये अंतर है, याद रखिएगा। उसके बाद है कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स टू और मोर सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। अब देखिए ओ एक सेंटर है, ओ सेंटर से ये सर्कल भी है ना, इसका रेडियस ये है, और ओ सेंटर से एक और सर्कल है, ये देखिए इसका रेडियस ये है, उससे ज़्यादा है पहले वाला सर्कल से, अंदर वाला सर्कल से ये ज़्यादा है उसका रेडियस। और यही ओ सेंटर से एक और सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसका रेडियस और बड़ा है, मतलब
सेम सेंटर और डिफरेंट रेडीज से अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो सारे सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। कंसेंट्रिक मीन्स हैविंग सेम सेंटर, है ना। अगर दो या दो से ज़्यादा सर्कल का सेम सेंटर होता है तो उनको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें सर्कल से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। और अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।